Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar. I am going to discuss today one of the very important part, that is October month aa chuka hai and you will have to take charge of your preparation. In this video, I am going to discuss about 12th standard students who are going to the schools. For them, what is the importance of this October month? Okay, I am sure all of you are aware this famous statement that a goal without a plan is just a wish. If you are targeting top NLUs, if you are targeting top 500 rank, top 300 rank, top 100 rank, you should have a plan and thereby you should not miss out the October month. Okay, this is very crucial month. You will have to put in lot of efforts. Now, why am I saying so? ठीक है, क्यों अक्टूबर मंथ इतना इंपॉर्टेंट है? क्या एग्जाम नजदीक आ गए क्या? नहीं, एग्जाम बहुत नजदीक नहीं आई. ठीक है, अगर मैं आपकी पढ़ाई का एक जनरल अप्रोच के बारे में मैं बात करूं, तो आपकी पढ़ाई के टोटल तीन फेजेस होते हैं. ठीक है, जनरली जो भी 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट है उसका एक फेज वन होता है, विच इज जनरली जून महीने से लेकर दिस अक्टूबर मंथ रहता है. ठीक है, फिर आता है फेज टू. ठीक है, इसको जनरली बोलते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी महीने का एक टाइम. एंड देन यू हैव लास्ट फेज, फेज थ्री, विच इज बेसिकली अप्रैल. एंड देन योर एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है ना, मैंने बीच में दो महीने निकाल दिए बिकॉज दैट्स योर बोर्ड टाइम. ठीक है, बोर्ड का टाइम है आपका, विच इज योर फेब्रुआरी एंड मार्च. ठीक है ना, चले ग्रेट. सो व्हाट हैपेंस इन द मंथ ऑफ जून, जून टू अक्टूबर, दिस इज प्राइमरली टू बी गेटिंग अवेयर अबाउट योर सिलेबस, टू बी अवेयर अबाउट वेरियस टॉपिक. आपको ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी मिलती है. ठीक है, अब आपको बड़े बड़े लीप्स लेने पड़ेंगे इन दिस सेकेंड फेज. ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं यू कैन से जंप स्टेज. ओके, हम अगर उसको नाम देना चाहें तो हम उसको नाम दे सकते हैं, दैट इज इट इज अब टेकिंग बिग लीप. ओके, सो दिस इज अ बिग लीप स्टेज. ठीक है, अब ये बिग लीप अगर मुझे लेने हैं नवंबर महीने में, क्या क्या करूंगा इस समय पे? दिस नॉट जस्ट एन अवेयरनेस, आई विल हैव टू अपीयर फॉर लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट. ओके, ठीक है, ProTalent की तरफ से जो भी ProTalent के स्टूडेंट्स है, टेस्ट सीरीज लेके रखी है, स्टडी मटेरियल लेके रखे हैं, उन लोगों को हम इस समय पे, दैट इज फेज टू के लिए अलग से वी प्रोवाइड 18 बुक्स. ओके, हियर इन दिस फेज वन वी हैव प्रोवाइडेड देम 6 बुक्स. Now in the phase 2, there are 18 books which will be coming to you. That means there are a lot of content to be prepared, lot of content to be practiced upon. Sectional test aapko dene hai, theek hai, that's very important. Is samay pe aap full length test bhi denge, theek hai. So that means somewhere around 10 se 12 test so minimum de denge aap, theek hai. So इस पर्टिकुलर फेज में अगर मुझे अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है, आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ दिस मंथ इन अ प्रॉपर मैनर. ये महीने में आई विल हैव लिमिटेड डेज. ठीक है, क्योंकि बीच में दिवाली आ जाएगी. सो दोस्तों, दिवाली जो 27 तारीख से चालू हो रही है, उसके एक या दो दिन पहले से आप उस मूड में आ जाएंगे, विच इज वेरी ऑब्वियस, है ना, विच इज नॉर्मल. सो डोंट वरी, बट मेक श्योर दैट यू हैव अ प्लान टिल 26th ऑफ दिस मंथ. ओके, जहां पे आप इस अक्टूबर मंथ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं, और बाद में अगर आपने उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया तो आपका फेज टू भी अच्छा जाएगा और फेज थ्री भी अच्छा जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, अब आपको करना क्या है? सर ये बता दीजिए, हमें टारगेट दे दीजिए. आप ये जो बता रहे हैं कि अक्टूबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा टारगेट तो दे दीजिए, हम क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, देखिए दोस्तों, द काइंड ऑफ टारगेट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके, दिस टारगेट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. सम ऑफ यू मे हैव योर ओन टारगेट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई से एंड यू फॉलो. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज अ स्टाइल कि इस तरीके से कुछ करना चाहिए. ओके, यू मे एड योर ओन कंटेंट इन इट. ओके, लेट मी गिव दैट अंडरस्टैंडिंग. सो टारगेट फॉर स्कूल स्टूडेंट्स फॉर क्लैट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नाउ देर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हु हैव एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड देर आर पीपल हु डू नॉट हैव एग्जाम, दे डू नॉट हैव एग्जाम. ओके,
जिन लोगों की एग्जाम है, स्कूल की एग्जाम है, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ठीक है, उन बच्चों के लिए सिंपल सा रास्ता है कि बहुत चिंता न करें, आपकी एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में दिवाली का बड़ा वैकेशन मिलेगा, ठीक है, तो आप उसमें यूटिलाइज कर पाएंगे. ओके, सो आई सजेस्ट दैट इफ यू हैव एग्जाम देन यू जस्ट फोकस ऑन फ्यू थिंग्स, दैट इज वोकैब प्लस योर करंट अफेयर्स इन जीके. ओके, आप सिर्फ उतनी चीजों पे ध्यान दीजिए. यू डू नॉट बॉदर अबाउट एनी अदर थिंग, यू जस्ट फोकस ऑन दिस टू थिंग्स. क्यों? क्योंकि आपको इसमें कंटिन्यूटी कभी भी मेंटेन हो जाएगी. अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे इन चीजों के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका एक ग्रोथ हो रहा है. सो दैट वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैब एंड करंट अफेयर, दैट्स द ओनली थिंग इफ यू हैव एग्जाम इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. इफ यू डोंट हैव एनी एग्जाम, देन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, प्लीज फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. This targets I am giving for the students who are following ProTalent, for the students who have purchased our test series and study material, for the students who are sincere and serious and are committing to me that sir, I am going to put lot of efforts, theek hai, aur main CLAT mein acche rank launga. This is what I want from you. That's it. Theek hai. I only require that kind of commitment from you. Aap bas taiyari pe dhyan dijiye. ऑटोमेटिकली भगवान सब कुछ आपके लिए कर देंगे. सो आगे पीछे की जरा भी चिंता ना करें और सिर्फ जो टारगेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उधर फोकस करें. ओके, चलिए ग्रेट, लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट नंबर वन. ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला काम क्या करेंगे, लीगल. लीगल पे क्या करेंगे, दो टॉपिक करेंगे. एक कंपल्सरी मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए आपको, और दूसरा कोई भी टॉपिक, वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वेदर इट इज टॉर्ट और क्राइम, वॉट एवर यू लाइक, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको जो जो भी चीज आपने पढ़ी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक के एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, सिटीजनशिप के रिलेटेड एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के पावर्स के बारे में एमसीक्यूज, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी के बारे में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बारे में, जुडिशरी के बारे में, इमरजेंसी प्रोविजंस के लिए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ों के लिए आपको एमसीक्यूज करना है, ठीक है. सो ऑन एन एवरेज मेरा मानना है दैट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू डू 200 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एमसीक्यूज. सर ये कहाँ से मिलेंगे, जो ProTalent के स्टडी मटेरियल है उसमें जरा मोर देन 300 कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज दे के रखे. इसके अलावा आपके जो सेक्शनल टेस्ट है उन सेक्शनल टेस्ट में स्टैटिक लीगल नॉलेज के वीडियो टेस्ट बना के रखे, उन टेस्ट में आपको ये मिल जाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस, ठीक है. सो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैटिक लीगल नॉलेज है वो आप अभी कर लेंगे. अगर आप अभी कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपको आगे बढ़ना होगा, जरा भी दुख नहीं होगा, ठीक है. सो नंबर वन. नंबर टू, अ कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट और यू कैन से दिस क्राइम, क्या करना है उसका, एनी वन टॉपिक, ठीक है, यू गो थ्रू ऑल थ्योरी एंड प्रैक्टिस सम राउंड 50 to 100 क्वेश्चंस. दिस इज व्हाट यू नीड टू पिक अप इन लीगल, नथिंग एल्स, ठीक है, इतना काफी है. देन यू टेक अप मैथ्स. मैथ्स में ऑन एन एवरेज 5 चैप्टर्स, कोई भी 5 चैप्टर्स आप ले सकते हैं. हर चैप्टर के साथ 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखें, ठीक है. इन केस आपके पास बहुत टाइम नहीं हो, आप जरा भी चिंता ना करें, डोंट टेक अप 50 क्वेश्चंस, देन टेक 30 और देन और टेक 20 क्वेश्चंस, बट कंप्लीट 5 चैप्टर्स 20 क्वेश्चंस, 5 चैप्टर्स 30 40 50 क्वेश्चंस, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, बट फिक्स इट कि मैं इतना करूंगा. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तीसरी चीज है ना, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग मेरा मानना है दैट यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, हर एक के मिनिमम यू कैन से 30 क्वेश्चंस का टारगेट बना दीजिए. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, लॉजिकल रीजनिंग ऑल एरियाज 30 क्वेश्चंस. ध्यान रहे, व्हेन आई एम सेइंग 30 क्वेश्चन सॉल्व करो या 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, व्हाट आई मीन इज यू डू इट इन अ टाइम लिमिट, इन अ टाइम बाउंड मैनर. 30 क्वेश्चंस आप एक चैप्टर का लेके बैठे, गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स, ठीक है, सॉल्व इट, ठीक है, और उसको एक समय के बाद रिव्यू करें, चेक करें और देखें कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और जो गलत हुआ है उसको क्यों गलत हुआ है उसको इंप्रूव करिए. दिस इज व्हाट यू शुड डू. ओके, देन फोर्थ थिंग इज इन योर इंग्लिश, ठीक है. इंग्लिश में क्या करना है, वोकैब. ऑन एन एवरेज मेरा मानना है दैट यू हैव टू पिक अप एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 10, 20 और 30 वर्ड्स पर डे, ठीक है.
So that means if I take average 20 and I have some around 20 days, so I'm looking at doing some around 400 vocab in this month. ठीक है, must है. ठीक है, अगर आप ये 400 words कर पाए, believe me, आपको बड़ा फायदा होगा नवंबर महीने में जब आप sectional test लिख रहे होंगे. ठीक है, तो या full length test लिख रहे होंगे उस समय पे बहुत सारे लोग, ठीक है, जहाँ पे कम score आ रहा होगा आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, आप अभी से प्लान करेंगे तो अगले 3 महीने आपके तगड़े जाने वाले हैं. ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, अलग से मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि कुछ और इंग्लिश में करना चाहिए. ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ग्रामर अगर आपको पसंद है तो आप ग्रामर ले लीजिए. ठीक है, एनीवे नवंबर महीना कुड बी अ मंथ ऑफ ग्रामर, ऐसा सोच के आप तैयारी कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट यू शुड पिकअप एंड देन योर जीके पार्ट. ठीक है, जीके में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखिएगा, इस समय पे यू कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टैटिक जीके. क्या क्या कवर करोगे स्टैटिक जीके में? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल इन द न्यूज, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट यू कैन से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखी, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज, उनके कैपिटल, उनकी करेंसीज, ओके, उसके बारे में पूरा जानकारी. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, उसको आप कंप्लीट कर दीजिए. ओके, आई थिंक ये जो जो भी मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, दे मे नॉट टेक मोर देन 1 or 2 days एंड दैट टू 1 hour or 2 hour पर डे. ठीक है, सो दैट मीन्स इफ यू आर एबल टू कवर दिस स्टैटिक जीके इन दिस पर्टिकुलर मंथ, इट विल गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अक्टूबर मंथ का टारगेट. वंस यू कंप्लीट योर क्लैट हर्डल, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू एवरीथिंग. दोस्तों, अगर आप ये पूरा का पूरा फोकस करोगे, इसको कंप्लीट करोगे, आपकी दिवाली अच्छी जाएगी. दिवाली अच्छी जानी है, आज से मेहनत. ठीक है, आपकी दिवाली मेरी दिवाली अच्छी जाएगी, दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, क्योंकि अगर आप परेशान तो मैं परेशान, दैट्स हाउ द सिनेरियो इज. सो मेक श्योर दैट यू डू गुड इन दिस पर्टिकुलर मंथ, सो दैट योर दिवाली गोज इन अ राइट मैनर. ओके, सो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो, कोई पर्टिकुलर इश्यू हो, ठीक है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ProTalent, ठीक है, digital@gmail.com. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑन दिस. ओके, protalentdigital@gmail.com के ऊपर आप मुझे अगेन से फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप मुझे क्वेरी भेजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. मेक श्योर दैट अक्टूबर मंथ इज अ ग्रेट मंथ फॉर यू. ओके, ऑल द बेस्ट.